बच्चे जो हैं गीली मिट्टी की तरह होते हैं, एक छोटा सा बदलाव और वो उन पर एक बड़ा प्रभाव छोड़ सकता है, खास करके किशोर अवस्था के बढ़ते हुए बच्चे यानी टीनेजर्स। माँ बाप के बीच का तनाव हो, लड़कपन में हुए इश्क की उलझनों को सुलझाने की जद्दोजहद, एक छोटे से किस्से को एक बड़ा हादसा बनते देर नहीं लगती। मासूम बच्चों के प्रभावशाली दिमाग पर क्या असर कर जाए ये कोई नहीं जानता। मुंबई की 15 साल की काजल आम टीनेजर की तरह एक बहुत ही तेज दिमाग वाली हस्ती खेलती बच्ची थी। उसके न चाहते हुए भी उसे शहर छोड़ना पड़ा और नागपुर जाकर अपने परिवार के साथ बसना पड़ा। शहर क्या छोड़ा, उसकी हंसी ही छूट गई। उस शहर में उस बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उसे एक बहुत ही खतरनाक राह पर चलने पर मजबूर कर दिया? काजल, स्कूल जाने से पहले कहां कहां भटकती रहती हो तुम? ये लो दूध पियो। लो काजल, और आ जाओ, मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ। ये क्या माँ, दूध में चॉकलेट पाउडर क्यों नहीं है? आपको पता ना, मुझे बिना चॉकलेट पाउडर के दूध पसंद नहीं है। काजल, चॉकलेट पाउडर खत्म हो गया है, मैं कल ले आऊंगी, फिर दूध भी कल ही पीऊँ। एक तो ये जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, एक दूध का ग्लास भी मेरे पसंद का नहीं है, मुझे वापस मुंबई जाना है। काजल बेटा, काजल बेटा, तुम पहले तो ऐसे जिद नहीं करते थे, क्या हो क्या गया तुम्हें? अपने माँ बाप की परेशानियों को समझो, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम मुंबई वापस नहीं जा सकते। मतलब बिजनेस में इतना नुकसान होने के बाद सब कुछ बेच बाज के हम लोग यहाँ पर आए, तो भगवान का शुक्र है कि प्रताप भैया तुम्हारे ताऊजी थे यहाँ पर, उनकी वजह से ये छत मिली हमें सर छुपाने के लिए, और आज उन्हीं के आशीर्वाद से दो वक्त की सुख की रोटी खा रहे हैं। देखो बेटा, अब हमें यहीं रहना है, ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो। लेकिन पापा, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमेशा सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में सोचा करते हैं, जिद मत करो, चल दूध पी लो। शाबाश। ओम भूर्भुवस्व ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। काजल, खुश रहो। सुबह कितने बजे उठी थी? जी 6 बजे। सुबह का अभ्यास किया? देखो बेटा, ये मुंबई नहीं है, यहाँ एक व्यवस्था है, तुम्हें उस व्यवस्था में अनुशासित होकर रहना होगा। जी ताऊ। रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तुम्हारा? वो ताऊ, इस बार लोग स्कूल में कह रहे थे कि अब रिजल्ट थोड़ा देर में डिक्लेयर होगा। रिजल्ट डिक्लेयर होते ही सीधे मेरे पास आओगी तो। गुड मॉर्निंग, आज आपको मिड टर्म्स पेपर की आंसर शीट मिलेगी। सबको ये आंसर शीट घर ले जाकर अपने पेरेंट्स को दिखाना है और यहाँ कॉर्नर में उनकी सिग्नेचर लेनी है। रोल नंबर 1। रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तुम्हारा? रिजल्ट डिक्लेयर होते ही सीधे मेरे पास आओगी। रोल नंबर 4। 4।
काजल तुम्हें पता है तुम हिस्ट्री में ही नहीं सारे सब्जेक्ट में फेल हो गई हो। सुनो स्कूल की छुट्टी के बाद तुम मुझे स्टाफ रूम में मिलना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। जाओ। सेल नंबर 5। सेवन 8 किसका चेहरा बना रही हो? लगता है हमारे प्रिंसिपल का है, तभी इतना डरावना है। वो बस ऐसे ही। लंच किया? मुझे भूख नहीं है। हाँ चलो कुछ खा लेते। और जब मैं आलू के पराठे लाने वाला था कमबख्त इस रिजल्ट को तभी आना था। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। पर मुझे तो बहुत भूख लगी है काजल, मेरे लिए खा लो। और तुम इस रिजल्ट पे ध्यान मत दो, ये मार्क्स के हाथ का मेल है, अगर आज नहीं है तो कल होंगे। प्लीज डायरी लिखने से नंबर्स नहीं आते, सिलेबस की किताबें पढ़ो अच्छे नंबर आएंगे। भैया आप ना इस छुपी रुस्तम को जानते नहीं, मुंबई में कभी भी फर्स्ट पोजीशन के नीचे तो आए ही नहीं। देख लेना भैया, एक दिन मेरी बेटी मेरा ऐसा नाम रोशन करेगी कि सारा का सारा शहर देखता रह जाएगा। इस छुपी रुस्तम को जानते नहीं। देख लेना भैया, एक दिन मेरी बेटी मेरा ऐसा नाम रोशन करेगी कि सारा का सारा शहर देखता रह जाएगा। I'm sorry. सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक, अभी तक का दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे खौफनाक विध्वंसकारी युद्ध। सब हाँ, ये चोट तुम्हें लगी कैसे? वो मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, ना ही ठीक तरह से कुछ खाती हो, गुमसुम रहती हो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम ऐसी नहीं थी। ऐसा क्या हो गया इन 2 महीनों में काजल कि तुम इतनी सब बदल गई? आलो मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पता है मैं जिंदगी में काफी फेल नहीं हूँ, और मेरे पापा को कभी नहीं लगता था कि मैं सेकंड क्लास आऊंगी। और आज मैं पापा को किस मुंह से बताऊंगी कि उनकी बेटी सेकंड क्लास तो बहुत दूर की बात है, वो तो फेल हो गई सारे सब्जेक्ट्स में। आलोक चलो ना मुंबई भाग चलते हैं। काजल मैं जानता हूँ यहाँ तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि हम घर छोड़कर मुंबई भाग जाएं। मैं जानता हूँ कि एडजस्ट करना मुश्किल है, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। और इनफैक्ट मैं तुम्हारी मदद करूँगा पढ़ाई करने में, और देख लेना अगले सेमेस्टर में तुम फिर से टॉप करोगी। आलोक तुम समझ नहीं रहे हो। मैं समझ रहा हूँ बाबा।
आप इतने गुस्से में क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखो क्या हुआ, देखो। काजल, तुम और फेल? पापा, I'm very sorry. पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे आप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता इसलिए फेल हो गई? और ये 40 सिग्नेचर करने की क्या वजह है तुम्हारे पास? बोलो। झूठ और मक्कारी के लिए वजहों की नहीं, नियत की जरूरत होती है। अब खड़े खड़े यहां आंसू क्या बहा रही है? जाओ अपने कमरे में। सुनो, आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, देखता हूं फेल कैसे होती हो तुम। जाओ। तुम्हें लगता होगा कि मैं बहुत सख्त हूं, लेकिन अगर अभी लगाम नहीं लगाई तो आगे हमें ही पछताना होगा। भैया, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। मैं देखता हूं, आखिर घर की ही बच्ची है। काजल, उठो बेटा, कितनी देर से। काजल, काजल, इसको तो बहुत तेज बुखार है। काजल सुनिए, काजल को बहुत तेज बुखार है और वो नींद में कांप रही है। नहीं, काजल, काजल ये डॉक्टर साहब है, तुम्हारे इलाज के लिए आए हैं बेटा, डरो मत। इन्हें बुखार बहुत ज्यादा है, डिलीरियम के चलते ये चौंक गई। मुझे लगता है इन्हें किसी बात का शौक लगा है या फिर किसी टेंशन में है। डॉक्टर साहब, कल इसका रिजल्ट आया था और ये सब सब्जेक्ट में फेल है, इसीलिए इसे बहुत ज्यादा डांट पड़ी, तो शायद इसे। ठीक है, पर अब इसे डांटना मत, इसे कंप्लीटली 2-3 दिन तक रेस्ट करवाइए और उसके बाद फिर ये ठीक हो जाएंगे। बुखार उतर गया है, तबीयत भी ठीक नजर आ रही, 2 दिन से स्कूल नहीं गई, पढ़ाई का काफी नुकसान हो गया, थोड़ी पढ़ाई कर लेते। खुश हो, आज से हर रोज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने आऊंगा और शाम को 4 बजे स्कूल खत्म होते मैं तुम्हें पिकअप भी करूंगा, ठीक है? बेटा सुनो, तुमने काजल को कहीं देखा? मैं उसका ताऊजी। नहीं अंकल, क्लास में तो थी, शायद घर चली गई होगी। अरे सुनो, तुम काजल के दोस्त हो ना? कहाँ है वो? पता नहीं अंकल, मैंने आज उसे स्कूल छूटने के बाद देखा ही नहीं। सुधीर, बहू। जी भाई साहब। काजल कहाँ है? घर आ गई? काजल, उसे तो आप लेने गए थे ना? कहाँ चली गई होगी ये लड़की? भाई साहब, क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हैं? काजल को लेने उसके स्कूल गया था लेकिन वो वहां नहीं, मुझे लगा घर आ गई होगी लेकिन घर पे भी नहीं है, कहाँ गई है लड़की? हो सकता है कि अपनी किसी दोस्त से मिलने चले गई हो। एक काम करते हैं, हम लोग कुछ देर इंतजार करके देखते हैं। चार घंटे हो गए भैया, सब जगह ढूंढ लिया, कहीं पता नहीं चला उसका। भैया मैं तो कहता हूं हमें जल्द से जल्द पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो,
पुलिस को इत्तला कर ही देते हैं। अचानक से काजल गायब हो गई थी। उसके स्वभाव में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। न पढ़ाई में उसका मन लग रहा था और ना ही वो ठीक से किसी से घुल मिल पा रही थी। स्वभाव में एक अस्थिर बना आ गया था। टीनेजर्स अक्सर ऐसे रेडिकल बिहेवियरल चेंजेस तब दर्शाते हैं जब उनकी जिंदगी में बहुत ही बड़ा हादसा हुआ। खुद को चोट पहुंचाना उनके लिए एक राहत या पलायन का जरिया बन जाता है। ऐसा क्या हो रहा था जिससे काजल भाग रही थी? एक पूरी रात एक 15 साल की लड़की गायब थी और किसी को नहीं पता था कि वो कहां चली गई थी और क्यों। काजल स्कूल में आखिरी तक थी जी जी, और जब स्कूल छूटा तो किसी ने उसे नहीं देखा। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं इंस्पेक्टर साहब, रोज तो जब स्कूल छूटता था तो सीधे घर आती थी। आपके किसी के साथ कोई दुश्मनी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। या फिर लड़की का किसी के साथ कोई अफेयर वगैरह? इंस्पेक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, मेरी बेटी की उम्र महज 15 साल है अभी। देखिए, वो आपकी बेटी है इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। अक्सर इस उम्र के बच्चे ऐसी नादानियां कर बैठते हैं। रोज हमारे पास ऐसे कई केसेस आते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी कोई जानकारी है तो हमसे मत छुपाइए। इंस्पेक्टर साहब, एक लड़का है, उसे अक्सर मैंने काजल के साथ देखा है। आज जब मैंने उसे काजल के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसे कुछ नहीं पता। हमारा उस लड़के से मिलना बहुत जरूरी है। उसका कोई और दोस्त हो सकता है जिसे काजल ने कभी कुछ बताया हो? सर, वो किसी से ज़्यादा मिलती जुलती तो नहीं थी, लेकिन हाँ सर, अभिनव सर ने अपना नंबर तक दिया था उसे, और वो कहीं ना कहीं किसी तरह से काजल से मिल ही जाते थे हमेशा। अभिनव सर। इंस्पेक्टर साहब, बच्ची का एकेडमिक रिकॉर्ड दिनों दिन खराब होता जा रहा। बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो, मगर पिछले कुछ दिनों से वो बहुत गुमसुम रहने लगी थी। मेरे कई बार पूछने के बाद उसने बताया था कि दरअसल वो ये शहर में रहना ही नहीं चाहती, वो कहीं और रहना चाहती है। कहाँ? मुंबई। तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्ची मुंबई भाग गई हो? हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग जब से मुंबई से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, काजल लगातार मुंबई जाने की इज्जत कर रही थी वापस। विश्वास सर, कॉल करके मालूम करो मुंबई जाने वाली सारी ट्रेन की टाइमिंग क्या क्या है। यस सर। होना हो ये बच्ची मुंबई की तरफ ही रवाना होगी। करेक्ट। थैंक यू सर। यस। कल दोपहर 2:30 बजे मुंबई के लिए आखिरी ट्रेन निकली थी और आज 1 बजे मुंबई के लिए एक ट्रेन निकलने वाली। गुड। इसका मतलब है कि ये कल की ट्रेन तो इसने ली नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त वो स्कूल में ही थी। तो होना हो ये आज की ट्रेन ही पकड़ेगी। अभी 12 बज रहे हैं, 1 घंटा है हमारे पास, हम उसे पकड़ सकते हैं। चलो मूव। आप लोगों का अंदेशा बिल्कुल सही था। आपकी बेटी मुंबई भागने की कोशिश कर रही थी, वो तो ऐन मौके पे हम लोग वहां पहुंच गए। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर। इट्स माय ड्यूटी। काजल, काजल दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? उस दिन मैंने तुमको कितना समझाया, तुम्हारी समझ में कुछ आता भी है या नहीं? वो पापा क्या पापा? सुधीर। लेकिन भैया, अभी इसे कोई कुछ नहीं कहेगा। बेटा जाओ। मामला नाजुक है, संभाल के मैं बात करता हूं उससे।
ये क्या किया तुमने? घर छोड़ के चली गई, एक बार भी नहीं सोचा कि हम सब पर क्या गुजरेगी? ऐसा कोई करता है भला? अब मुझसे और सहन नहीं होता। सहन नहीं होता? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम पे कोई जुल्म करता। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी किताबें, तुम्हारी स्कूल की फीस, तुम्हारी हर जरूरतें मैं पूरी करता हूं, और तुम मेरी सिर्फ एक जरूरत पूरी नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगा था कि तुम भाग जाओगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? मेरी मुट्ठी, मेरी चुंगल में हो तुम। अगर तुम चाहो तो भी आजाद नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तुम्हारा नसीब हूं और मेरी जरूरत पूरी करना यही तुम्हारी नियति है। ये जितना जल्दी समझ लो अच्छा होगा। जी, तेरा बाप मेरे टुकड़ों पे पल रहा है, कहीं अगर मैंने मुंह फेर दिया तो पूरा परिवार दाने दाने के लिए तरसेगा। रास्ते पे आ जाओगे तुम लोग, भीख मांगोगे, और इस सदमे से तेरा बाप खुदकुशी कर लेगा, और तेरे बाप का खून तेरे सिर पे होगा। क्यों ये सब? क्यों अपने ताऊ जी को एक थोड़ी सी खुशी से महरूम रखना चाहती हो तुम? जब तक मैं खुश हूं तुम्हारा बाप सुख से जी पाएगा। अपनी बाप की खुशी के लिए एक छोटी सी कीमत, इतना नहीं कर सकती तुम? और आइंदा ऐसी बेवकूफी करने से पहले अपने पापा की जिंदगी और अपने परिवार की खुशियों के बारे में सोच लेना, समझी? भागने चली थी। ऐसे दरिंदे अक्सर काफी सोची समझी साजिश के तहत मासूमों को अपना शिकार बनाते हैं। पीड़ित के परिवार जन इस भरोसे से अपना बच्चा उनके हवाले करते हैं कि वो तो हमारे बच्चे के हितकारी है, लेकिन बेचारे परिवार वाले क्या जाने कि ये आदमी सा देखने वाला इंसान हैवानियत की एक जीती जागती मिसाल है, जो उनके बच्चों को शोषण करते दौरान इस कदर डराते हैं जिससे कि उनका बच्चा अपने ही माता पिता को अपने आप पर बीत रही त्रासदी को बताने से डरता है। और यही वजह है कि ऐसे हजारों बच्चे हैं जिनके जहन में ये भयानक याद एक खामोश दाग बनकर ता जिंदगी के लिए रह जाती है। क्या हुआ है काजल तुझे? बोलकर क्या फायदा? कोशिश करके देख, शायद तेरी ये गवार माँ तेरी कुछ बात समझ जाए। माँ, अगर आप लोग मुझे मुंबई वापस नहीं भेज सकते तो कम से कम बोर्डिंग में तो डाल दीजिए। तू तो चली जाएगी, फिर तुम्हारी माँ का क्या होगा? माँ, ना तो मुझे ये घर पसंद है ना ही ये जगह, यहाँ तक कि मुझे ताऊ जी के साथ पढ़ना भी नहीं पसंद है। समझ सकती हूँ मैं, लेकिन बेटा ताऊ जी तुम्हारी मदद कर रहे हैं पढ़ाई में। जिंदगी में हमेशा हमें वो चीजें नहीं मिलती जो हमें पसंद होती है, लेकिन हमें एडजस्ट करना पड़ता है। और देखो तुम्हारे पापा भी तो फिर से कोशिश कर रहे हैं अपना बिजनेस सेट करने की, और ताऊ जी ने हमारी बहुत मदद की है। हमें तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ताऊ जी का हाथ हमारे सर पर है। उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे लिए बच्चा। माँ, ये कपड़े क्यों निकाल रही हैं आप? अरे भूल गई, आज बबलू भैया की शादी है ना, और हम सब लोगों को वहां जाना है। तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। माँ मुझे स्कूल जाना है, बहुत जरूरी है। अरे एक दिन छुट्टी कर लो ना काजल, ताऊ जी ने भी कह दिया है। अब ताऊ जी भी जा रहे हैं क्या? हाँ,
माँ आप टेंशन मत लो, मैं मैनेज कर लूंगी। और वैसे भी राम जी काका तो है ही ना, मैं स्कूल चली जाती हूँ। हाँ ठीक है, फिर मैं तुम्हारे कपड़े वापस रख देती हूँ। जी। अरे भैया आपको भी आना चाहिए था शादी में, सब लोग पूछ रहे थे आपको। वैसे आपने अचानक आने का प्रोग्राम कैंसिल क्यों कर दिया? अरे भाई मैं भी आना चाहता था, लेकिन हमने पटना वाले क्लाइंट वो आए हुए हैं शहर में, उनका फोन आया कि आज ही मिलना है, कल सुबह की ट्रेन से वो जा रहे हैं। इतने बड़े क्लाइंट हैं तो मिलना तो जरूरी है ना। सही बात है। वैसे चाचा जी बहुत खुश हुए होंगे आप लोगों से मिलकर। जी भाई साहब, चाचा जी तो बहुत खुश थे, लेकिन आप बोर हो गए होंगे ना। अकेला कहाँ, काजल बिटिया जो थी मेरा ख्याल रखने के लिए। बहुत खातिर की है इसने आज मेरी। लता आज तुम्हें काजल कुछ खोई खोई सी नहीं लगी? अरे ये उम्र ही ऐसी है, एक पल में रोना तो एक पल में हंसना, ये सब तो लगा ही रहेगा। कल सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप भी ना किस बात को लेकर परेशान हो गए? अरे ये काजल की डायरी है। अरे क्या कर रहे हैं आप, मत पढ़िए उसकी डायरी। आपको तो पता है ना काजल को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई उसकी डायरी पढ़े। क्यों चिढ़ा रहे हैं बच्चे को आप? अरे कुछ नहीं होता, वैसे भी कहाँ पता चलेगा उसे। पहले तो जितनी कविताएं लिखती थी सब आगे सुनाती थी, आजकल तो उसके मुंह से दो बोल भी निकल जाए ना तो भी गनीमत है। डर और नफरत के आशियानों में खोसी गई हूं, किससे कहूं कैसे कहूं, सिसकियों और चीखों में कैद सी हूं, किससे कहूं कैसे कहूं, बंद दरवाजों की कहानी बनकर जी रही, किससे कहूं कैसे कहूं। लता क्या है ये, 15 साल की बच्ची और इतनी हताश। लता कुछ तो है जो हम लोग नहीं देख पा रहे, वरना इतनी छोटी बच्ची की सोच ऐसी हो ही नहीं सकती। मैं बात करता हूं काजल से। दरवाजा क्यों लॉक किया इसने, ये तो कभी लॉक नहीं करती। काजल काजल कितनी जल्दी, तू कभी सोती भी नहीं है। काजल बेटा दरवाजा खोलो। काजल सो गई क्या? काजल बेटा, काजल काजल दरवाजा खोलो। हे भगवान, तुम खोल, पीछे पीछे पीछे। ये क्या करने जा रही थी तू? ये भी नहीं सोचा कि मम्मी और पापा का क्या होगा, क्या बीतेगी उन पर? अरे बेटा एग्जाम में नंबर ही तो कम आया है ना, तो उसके लिए इतना हताश होने की क्या जरूरत है? ये तो चलता रहता है बेटा, आज कम आए हैं कल जरा आएंगे, उसके लिए इतना बड़ा कदम उठाना सही बात नहीं है। पापा ये सब मैं एग्जाम की वजह से नहीं कर रही थी, अब मुझसे और सहन नहीं होता। मैं आप लोग को और तकलीफ में नहीं डालना चाहती पापा, नहीं देना चाहती और तकलीफ। काजल काजल देख, सब मुसीबत का सामना एक साथ कर लेंगे, लेकिन लेकिन तुझे ऐसी हालत में नहीं देख सकते। तो अपनी माँ को बता, बता क्या परेशानी है, क्या हुआ बच्चे, क्या हुआ बता ना मुझे। ताऊ जी। हाँ बेटा मैं जानता हूँ कि ताऊ जी थोड़े सख्त जरूर है, लेकिन अगर तुम्हें उनसे नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, मैं ना। ताऊ जी मेरे साथ गलत कर रहे हैं, बहुत गंदा लगता है मुझे, बहुत गंदा, अब मुझसे सहन नहीं होता, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बस। कब हुआ ये सब, कब कब का हिसाब दूं मैं, और कहां कहां का। जब मुंबई आई थी सब ठीक था,
लेकिन उसके बाद पापा ने कहा था कि ताऊ जी पिता के समान है और मैंने भी वैसा ही माना था। वे शक्त थे लेकिन मुझे अच्छे लगते थे। लेकिन एक दिन शाम को मेरा भ्रम टूट गया। मैं स्कूल से वापस लौट रही थी और दरवाजा बंद करके अपने कमरे में कपड़े बदलने लगी। अचानक दरवाजा खुल गया। मैंने देखा कि वहां ताऊ जी खड़े। मुझे लगा शायद गलती से ताऊ जी आ गए होंगे। दो दिन बाद जब पापा ने कहा कि ताऊ जी के कमरे में ये फाइल देकर आओ, तब मुझे पता चला कि वो उनकी गलती नहीं थी बल्कि वो तो उनका इरादा था। बहुत बार सोचा कि पुलिस के पास चली जाऊं, पुलिस को फोन कर दूं, और किया भी, लेकिन मुंह खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। डर जाती थी कहीं वो पापा को कुछ कर देंगे तो। लेकिन आज जो हुआ, आज आप सब घर पर नहीं थे। मुझे लगा कि मैं घर पर अकेली हूँ, तो दरवाजा बंद करने के बारे में सोचा ही नहीं। इसीलिए आप लोगों के कमरे में जाकर अपनी डायरी लिखने लगी और अचानक कोशिश की थी, बहुत बार कोशिश की थी, लेकिन शर्म भी आती थी और डर भी लगता था। कैसे माँ जो अपने बच्चे के आंसू भी नहीं पड़ पाए, तू हमारे लिए इतना कुछ सहती रही और हम समझते रहे कि सॉरी बेटा, सॉरी। पापा मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ स्वार्थी पापा, लेकिन अब मुझे सहन नहीं होता, मुझे माफ कर दीजिए। तू माफी क्यों मांगेगी? मैं आपसे छोड़ूंगा नहीं। हट, खड़ा हो, सो के रहो। आज तो मैं तेरा किस्सा यही तमाम कर दूंगा, खड़ा हो। ये क्या 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 बदतमीजी है, तुम होश में तो हो? होश में तो मैं अभी आया हूँ। हमेशा मैं तेरे को अपना बड़ा भाई नहीं बल्कि बाप मानता रहा, और तूने अपनी बेटी जैसी बच्ची के साथ मुझे तो बोलते हुए शर्म आ रही है। और ये सब झूठ बोल रही है। बाहर लड़कों के साथ में गुलछरे उड़ा दिए और अब मेरा नाम देती है। मैंने खुद ने उसे दिखा है, दूसरे लड़कों के साथ में गुलछरे उड़ा दोगे। अगर एक शब्द भी निकाला ना मेरी बेटी के खिलाफ, तेरे को यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगा मैं। अरे माना कि तेरे पास आए थे हम मदद मांगने के लिए, लेकिन अपनी बेटी का सौदा करने नहीं आ रहे तेरे पास। इस मासूम को इसके बाप का नाम ले लेकर डराता रहा, उसका शोषण करता रहा। ये मासूम बेचारी अपने बाप के प्यार के कारण सब कुछ सहती रही। इसकी तो सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी। मुझे मुझे सजा देगा तू? अरे तेरी औकात क्या है? मेरी औकात जानना चाहता है तू? मेरी औकात का हिसाब लगाने के लिए सलाखों के पीछे बैठ कर सालों तक हिसाब किताब लगाते रहना। पुलिस में जाएंगे, इससे तो काजल की बदनामी होगी ना। बदनामी मेरी बेटी की क्यों होगी? अरे बदनामी का डर गलत को होता है, सही को नहीं। मैं जो भी कुछ करने जा रहा हूँ, अगर एक बाप होकर अपनी बच्ची को इंसाफ नहीं दिला पाए ना, तो मैं किस बात का बाप? मेरी बच्ची पाक साफ है, मेरा गरूर है, और इस हैवान की जगह यहाँ पर नहीं, सलाखों के पीछे है। मत बेटा, अब तुम्हें कभी भी कोई भी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। अपने साथ हुए गलत को कभी अपनी पहचान मत बनने देना। ना तो तुम इसके लिए जिम्मेदार थी और ना ही तुम्हें कोई दागदार कर पाएगा। तुम पहले भी मेरी जान थी, आज भी हो और हमेशा रहोगे।
शराफत का मुखौटा लगाकर प्रताप जैसे दरिंदे हमारे समाज में, हमारे ही परिवारों में घुले मिले रहते हैं। आज के इस एपिसोड में हम माता पिताओं को सिर्फ एक चेतावनी नहीं दे रहे हैं, लेकिन बढ़ते हुए बच्चों में एक जागरूकता लाने की एक कोशिश भी कर रहे हैं। अगर आपके साथ कोई भी इंसान कुछ गलत करे तो आप उससे डर कर सहम मत जाइएगा। अपने माता पिता या किसी बड़े बुजुर्ग या अपनी टीचर को अपनी व्यथा से अवगत कराइए, क्योंकि ऐसे इंसान की ताकत आपके डर में होती है। असल में ये बहुत ही कायर और विकृत प्रवृत्ति के होते हैं और उनका स्थान समाज या आपके घर में नहीं, जेल की सलाखों के पीछे है। सरकार ने कई चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं। अगर आपको अपनी गोपनीयता बनाए रखनी है तो आप इन नंबर्स की सहायता भी ले सकते हैं। अपने आप को कभी भी अकेला मत समझिए, क्योंकि आपके साथ सिर्फ आपके घर वाले ही नहीं बल्कि एक पूरा समाज खड़ा है ऐसे विकृत लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए। हम माता पिताओं से आग्रह करते हैं कि ऐसे जुर्म को अनदेखा मत करिए, ये सोचकर कि वो तो सिर्फ एक बच्ची है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। यौन शोषण के घाव अगर भरे न गए तो जिंदगी भर का नासूर बन सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, कल फिर मिलेंगे ऐसी एक दास्तान के साथ। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।